हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले एक शेयर से रिलेटेड जिसका नाम है इंडियन ह्यूम पाइप लिमिटेड। क्या हमने इससे पहले वीडियो बनाई है वो भी बात करेंगे। क्या इस शेयर को, ये अच्छा शेयर है, किस तरीके की फंडामेंटल है ना, फाइनेंशियल है, वो सब चीज से रिलेटेड बातें करेंगे, जानेंगे इस कंपनी से रिलेटेड। बट उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहली बात तो बाइंग सेलिंग की बिल्कुल भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, ये डिस्क्लेमर है, और खुद की स्टडी करना है, सीखना है, समझना है। ओके, हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। सीखने के लिए बहुत सारी वीडियोस है, जाके देखिएगा, आपको बहुत सारी नॉलेज यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। साथ में आपको कोर्स करना है तो आप हमारे कोर्स को भी यहाँ पर कर सकते हैं, जहाँ पर बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल, कब लेना है, कब बेचना है, क्यों लेना है, क्यों बेचना है, सब चीज आपको मिलती हुई नजर आएगी। 25,000 रुपए का कोर्स है, 3 मंथ्स की हैंड होल्डिंग, स्ट्रेटजी यूज इन स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन नोट सब कुछ दिया जाता है। 8868605501, 8169261037, दो नंबर को सेव कर दीजिए और हमारे साथ हमारे इस कोर्स को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर करने इस पर 1 साल का एक्सपीरियंस ले लीजिएगा, काफी कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा। साथ में काम करना है तो भी आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो हम बात कर रहे हैं इंडियन ह्यूम पाइप की। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर इंडियन ह्यूम पाइप से रिलेटेड कोई वीडियो बनाई है। तो यहाँ पर 2 महीने पहले यहाँ पर वीडियो बनाई थी, ठीक है, वहां पर आप देखोगे तो हमने यहाँ पर बताया था कि कैसे 5 महीने में 119% के जो टारगेट थे ना वो अचीव हो गए, और वो चीज मैंने यहाँ पर आपको क्लियरली वीडियो में दिखाई भी थी, कैसे कैसे हमने यहाँ पर इस शेयर को कब फाइंड किया था, उसके बाद ये शेयर ने किसने रिटर्न दिया और किस तरीके से ये शेयर यहाँ पर चलता हुआ नजर आया, वो सब चीज हमने इससे रिलेटेड यहाँ पर बातें करी थी, ठीक है। तो ये तो हो गई बात इंडियन ह्यूम से रिलेटेड। अब बात करते हैं अभी की, अभी क्या, तो उससे रिलेटेड बात करते और जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी जो है 1926 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो मतलब बात करें आजादी से पहले ही कंपनी है। द कंपनी इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लेइंग ज्वाइनिंग ऑफ पाइपलाइंस। तो यहाँ पर ये क्या है, पाइपलाइन से रिलेटेड काम करती है, और अलग अलग तरीके के जैसे ज्वाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और लेइंग से रिलेटेड, वो मैं अभी इनकी वेबसाइट पे चलूंगा तब आपको दिखाऊंगा। द कंपनी हैज आल्सो बीन अंडरटेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी ये कंपनी यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है। प्रोग्राम बाय द वे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ टर्नकी बिजनेस ऑफ कंबाइंड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, तो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। अब दो तीन चीजें सी देखो, सबसे पहले भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का किस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है, भारत। दूसरी बात, हर घर जल पहुंचाना है, ठीक है, पूरे भारत में जल पहुंचाना है, मतलब पूरे भारत को वाटर लाइन पाइप से यहाँ पर कनेक्टेड करना है, तो उसमें ये कंपनी एक अच्छा खासा महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभा रही है, ठीक है, उसमें ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके के पाइप ये यूज करती है, ठीक है ना, वो ही पाइप यहाँ पर यूज किए जाएंगे पानी को पहुंचाने। घर में जो नल लगते हैं वो पाइप अलग है, और जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए जो बड़े बड़े पाइप्स होते हैं ना, ठीक है, वो उसमें ये कंपनी काम करती है। अभी जब वेबसाइट पे चलेंगे तब बात करेंगे। द कंपनी आल्सो मैन्युफैक्चर एंड सप्लाईज कंक्रीट रेलवे स्लीपर्स टू इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे के लिए कंक्रीट जो रेलवे स्लीपर्स यहाँ पर ये बनाती हुई नजर आती है। थोड़ा सा यहाँ पर चलते हैं इनकी वेबसाइट पे, आपको पूरा का पूरा यहाँ पर आइडिया लगता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर जिन जिन पाइपों की बात कर रहे हैं ना, वो पाइप इस तरीके के पाइप होते हैं जो आपने टनल्स में भी देखे होंगे, ठीक है, अलग अलग जगह पर यहाँ पर देखते हुए नजर आएंगे। देखिए इस तरीके के पाइप, है ना, यहाँ पर जो पानी जाता हुआ नजर आता है, आपने ये रेलवे में आप जाते होंगे, सफर करते होंगे, तो इस तरीके के पाइप्स आपने अराउंड इंडिया यहाँ पर जरूर देखे होंगे, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके के अलग अलग सिलेंडर का पाइप या इसमें ये काम करती हुई नजर आती है। बार रैप्स यहाँ पर जो पाइप्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के यहाँ पर पाइप देखिए, यहाँ पर देखते हैं ज्वाइनिंग, तो यहाँ से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो पानी पहुंचाया जाता है ना उनमें, या और दूसरे और भी बहुत सारे कामों में इस तरीके के पाइप यूज होते हैं। तो इस थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश करें कि ये कंपनी किस तरीके के बिजनेस में है। दूसरी बात करें जो यहाँ पर रेलवे के लिए जो कॉन्क्रीट यहाँ पर जो ट्रैक बना होता है, ठीक है ना, जो ट्रैक के बीच में जो जिस तरीके के जो सपोर्ट के काम आती है ना दोनों पटरियों के बीच में, तो ये जो कॉन्क्रीट का जो ये बना होता है ना, ये पूरे, देखिए रेलवे का विस्तार और होना है, ऑलरेडी हुआ है, और रिपेयरिंग भी चलती रहती है, तो उसमें इसी तरीके की चीज का यूज किया जाता है, तो ये उसमें काम करती है, तो ये एक यूनिक बिजनेस यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो अच्छा खासा इस कंपनी का काम है, तो ये समझने की बात है। सबसे पहले बात करते थोड़ा सा आगे और जानते हैं, सबसे पहले मार्केट कैप देखिए, 2,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। जब मैं 2,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप की बात करूं,
तो याद रखिएगा, सबसे पहले स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप की बात है तो हमारा एक्सपर्टीज इसमें, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर इस चैनल का इसलिए नाम भी है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा, जब स्मॉल कैप की बात करूं, तो जब शेयर भागता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने इस शेयर को पकड़ा था लगभग 200-250 रुपए के आसपास, उस टाइम इस शेयर ने एक साथ रैली दिखाई यहीं पर ही मई से लेके अभी तक यहाँ पर सितंबर में, और एक अच्छा खासा हाई बनाया और पैसे को डबल से ज्यादा बनाते हुए नजर आया कुछ ही महीनों के अंदर अंदर। तो सबसे पहली बात तो इस तरीके से यहाँ पर जब भागता है तो इस तरीके से भागता है, बट जब गिरता है तो यहाँ पर देखिए कैसे यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है कि लगभग 36 और 37% शेयर ऊपर से लेके यहाँ पर करेक्ट हो चुका है, ये देखिए इस तरीके से। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे ना तो जब भागता है तो अच्छा खासा भागता है, फिर गिरता है तो गिरता है, कंसोलिडेट करता है, फिर दोबारा यहाँ पर भागता हुआ नजर आता है, फिर गिरता है, फिर भागता है। तो यही इस ऐसे छोटे शेयर, स्मॉल कैप शेयर की यहाँ पर पहचान है, सही टाइम पर लेना है, सही टाइम पर बेचना है, अच्छा खासा अगर कंपनी काम कर रही हो, चेंज हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं मौका भी बन जाता है ऐसे शेयरों को, जब यहाँ पर शेयर 36-37% यहाँ पर गिर जाते हैं, जो कि हम चार्ट पे चलेंगे तब यहाँ पर बात करेंगे। 614 रुपए का हाई है, 387 पे चल रहा है, लगभग 37% के आसपास गिर चुका है। 52 भी लोग यहाँ पर बात करें 231 का स्टॉक पी की बात करें तो 19 का स्टॉक, इंडस्ट्री पी 23 का है, तो यहाँ पर सस्ता नजर आता है। सबसे पहली बात, 40% शेयर गिर गया, 19 के पी पे चल रहा है ना, और पी के बेस पे काम नहीं करते, मैं इस चीज को भी यहाँ पर बात कर रहा हूँ। आरओसी आरओई कुछ खास नहीं है, ठीक है, इस चीज को भी देखना है। बाकी हम बात करें कंपनी के बारे में, तो यहाँ पर डेट 70% के आसपास का डेट भी है, रिटर्न इक्विटी 3.61% है, फेस वैल्यू 2 की यहाँ पर है, डिविडेंड भी कंपनी यहाँ पर थोड़ा बहुत देती हुई नजर आती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते और जानते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स, यहाँ पर कंपनी को क्वार्टरली रिजल्ट्स देखोगे तो आपको दिखाई देगा कंपनी कभी अच्छा करने लग जाती है, फिर कभी थोड़ा सा कंपनी का काम डल पड़ जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंपनी बिजनेस किस में है, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है, ठीक है, रेलवे के उस तरीके के बिजनेस में है, जो कि यहाँ पर एक साथ ही डिमांड आती है, जब आती है और जब जाती है तो इसी तरीके से जाती भी नजर आती है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो अच्छा खासा कंपनी काम कर रही है, फिर नीचे आ रही है, तो इस तरीके से। बट अभी देखोगे थ्री फोर अच्छा खासा पिछले 3-4 क्वार्टर में 300-400, 350-400 करोड़ का यहाँ पर बिजनेस होता हुआ नजर आ रहा है। ईयरली बेस पे कंपनी का परफॉर्मेंस सेल्स वाइज अभी भी ठीक है, यहाँ पर क्वार्टरली बेस पर फ्लैट नजर आता है। कंपनी के एक्सपेंसेस इस बार थोड़े से बढ़ते हुए नजर आएंगे, जो कि मटेरियल कॉस्ट में यहाँ पर यूज हुआ है, मटेरियल में कंपनी का यहाँ पर ज्यादा यूज होता हुआ नजर आया, इसकी वजह से यहाँ पर कंपनी के जो मार्जिन पे इफेक्ट आया है, कंपनी के प्रॉफिट पे यहाँ पर क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर इफेक्ट आता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो कंपनी को थोड़ा सा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा है, क्यों? क्योंकि कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट भी है, जो कि हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे नेट प्रॉफिट तो स्टिल यहाँ पर आप देखोगे 10 से 13 करोड़ का प्रॉफिट है, प्रॉफिट में यहाँ पर गिरावट नजर आई है, ठीक है, जो कि यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि किस किस वजह से यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बट स्टिल कंपनी यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव यहाँ पर दिखा रही है, ठीक है, और कम पी पे है, सस्ता है अभी भी, ऐसा कुछ महंगा नहीं हुआ है, और ऊपर से नीचे गिरने के बाद तो और सस्ता हो गया। जब टेक्निकल पे चलेंगे तब मैं आपको और चीजें दिखाऊंगा। सेल्स की बात करें तो सेल्स यहाँ पर देखिए कंपनी की सेल्स यहाँ पर लगातार पहले अच्छी खासी बढ़ रही थी 2018-19-20 में, उसके बाद गिरती हुई नजर आई और दोबारा कंपनी की सेल्स उसी तरह रफ्तार से बढ़ती हुई नजर आ रही है, कंपनी का काम उसी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो उस चीज को हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, यहाँ पर कंपनी जो 9-10 के मार्जिन पे काम करती थी, वो मार्जिन अभी 13-14 के आसपास चल रहा है, वो हाईएस्ट एवर मार्जिन पे, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पे चल रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे तो 78.03 इस तरीके के प्रॉफिट पे चल रहा है, ठीक है। तो कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा काम कर रही है, बट मैक्सिमम होने के बावजूद भी, ठीक है, शेयर यहाँ पर अभी भी मैक्सिमम लेवल पर नहीं पहुंचा है, ठीक है, टच करके जरूर आया बट सस्टेन नहीं किया है। तो शायद जब सेकंड राउंड ऑफ रैली यहाँ पर होती हुई नजर आए मार्केट में इस शेयर में, तो शायद एक ऐसे लेवल पे जाता हुआ नजर आ सकता है शेयर। जब मैं यहाँ पर टेक्निकल पे बात करेंगे तब मैं उससे रिलेटेड बातें करूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रिजर्व्स की बात करें कंपनी की, तो कंपनी के रिजर्व्स लगातार बढ़े, 232 करोड़ से यहाँ पर 855 करोड़ के रिजर्व्स है। अब रिजर्व्स बढ़े हैं, कंपनी कभी भी बोनस भी अनाउंस कर सकती है, कह सकती है हमारे पास कैश पड़ा है, बोनस ले लीजिए। बोरिंग की बात करें कंपनी के साथ में, बोरिंग भी बढ़ी है, ठीक है, 607 करोड़ की, यहाँ पर जब भी चाहे कंपनी यहाँ पर बोरिंग को भी चुका सकती है, इतने का अच्छे खासे रिजर्व्स है कंपनी के पास, इस चीज को भी ध्यान रखना है। वर्किंग प्रोग्रेस में लगभग 19 करोड़ रुपए सितंबर में लगते हुए नजर आए हैं, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं आगे होता हुआ नजर आएगा। इन्वेस्टमेंट 7 करोड़ का, कैश की बात करें तो 48 करोड़ के आसपास का यहाँ पर कंपनी के पास कैश भी पड़ा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो पॉजिटिव कैश फ्लोज है, हाईएस्ट एवर 213 करोड़ के कैश फ्लोज नजर आ रहे हैं, कैश रिच कंपनी है ये, इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है।
आगे बढ़ते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग बीच में लास्ट ईयर यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई थी, उस टाइम शेयर उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो इसी साल बढ़ता हुआ भागता हुआ भी नजर आया, ठीक है। और अभी भी प्रमोटर्स यहाँ पर हाईएस्ट एवर होल्डिंग के साथ बैठे हुए हैं। एफआईज की यहाँ पर जो एफआईज ना के बराबर थे वो धीरे धीरे आए थे, ठीक है, 1% से कम है, बट स्टिल यहाँ पर एफआईज ना के बराबर है। डीआईज की बात करें 2% की होल्डिंग यहाँ पर डीआईज के भी है, और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें 24% के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर पब्लिक की भी यहाँ पर नजर आती है। थोड़ा सा यहाँ पर आप जाओगे बाइंग सेलिंग यहाँ पर चलती रहती है, आप इस चीज को यहाँ पर देख सकते हैं। अब कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ देखिए मार्केट कैप कंपनी की कितना है, 2000 करोड़ की मार्केट कैप है। इसके अगेंस्ट में मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, कंपनी की जो ऑर्डर बुक है 4167 करोड़ है 7 नवंबर 2024 के हिसाब से, ठीक है। तो कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है, कंपनी के पास अच्छा खासा काम है, ऐसा नहीं है कि कंपनी का मार्केट कैप ऐसा ही है, ठीक है, कंपनी के पास कुछ काम करने को ही नहीं है। उस केसेस में ऑब्वियसली बात है ऐसे शेयर धराशायी हो जाते हैं, बट जब शेयर के पास कंपनी के पास अच्छा खासा काम हो, ठीक है, इतना काम हो कि कंपनी अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकती है, तो उस केसेस में आपको समझ में आना चाहिए कि कंपनी कहाँ से कहाँ जा सकती है। 31 अक्टूबर को 3500 करोड़ का काम था, अभी लगभग 4100 करोड़ के आसपास का काम है। और थोड़ा सा और इस चीज को पढ़ना चाहो तो आपको यहाँ पर आप जाओगे तो कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा काम करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी यहाँ पर आप देखोगे दोस्ती ग्रीन्स यहाँ पर स्केप्स है पुणे में, ठीक है, यहाँ पर सर्च कर लेना आपको समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ यूनिट बुक्स इतने यहाँ पर, ठीक है, एग्रीमेंट ऑफ यहाँ पर इतना का इनके पास इनका काम है, शेयर ऑफ कंपनी लगभग इतना है, एडवांस रिसीव लगभग 52 करोड़ रुपए का अभी फिलहाल के डेट में, ये 10/11/2024 की बात है, ठीक है। एज ऑन यहाँ इस लगभग 52 करोड़ का यहाँ पर इन्हें कैश मिलता हुआ नजर आया एडवांस में, तो काम हो जाएगा तो और यहाँ पर पैसे मिलते हुए नजर आएंगे, ठीक है। ये प्रोग्रेस में है, कितने यूनिट है, ये सब चीज यहाँ पर इन्होंने बता रखी है, कितने स्क्वायर फीट में काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर किस तरीके का काम यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है, तो कंपनी का अच्छा खासा काम है। इस चीज को थोड़ा सा आप चाहो तो पढ़ लेना, यहाँ पर आप जाओगे इधर ही जाओगे तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट में जाओगे तो इधर ही यहाँ पर आपको मिलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आप एक बार पढ़ लेना, इनके बारे में आपको पता चल जाएगी। अभी हम बात कर रहे थे नंबर्स की, तो नंबर्स में हम थोड़ा सा आगे आएंगे, तो मैं थोड़ा सा नंबर में भी थोड़ा सा डीप आपको बता देता हूँ। कंपनी के रिवेन्यू में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का फर्क आया है, ठीक है, जो कि मैं दिखाऊंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन का बिजनेस अभी क्या था, इलेक्शन भी था, तो इलेक्शन की वजह से कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में शायद इफेक्ट पड़ा है, जो कि यहाँ पर साफ एविडेंट दिखाई देता है, बट उसे भी छोड़ देते हैं तो अच्छा खासा काम है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ऊपर नीचे एक आध क्वार्टर होता रहता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा अच्छा ही रहेगा, ऐसा नहीं है हमेशा बेकार रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कंपनी का कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसिस में ज्यादा पैसा खर्च हुआ है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर जो 6 करोड़ के आसपास का यहाँ पर इन्वेंट्री नेगेटिव में थी, अभी यहाँ पर 85 लाख है, तो इसका भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आया। क्वार्टरली बेस की मैं बात कर रहा हूँ, ईयरली बेस पे तो नंबर यहाँ पर अच्छे खासे है ही, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो क्वार्टरली बेस पे इस चीज का इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आया। थोड़ा सा मोर आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर ये भी दिखाई देगा कि कंस्ट्रक्शन का बिजनेस इन कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, अच्छा खासा काम है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ये हो गया कंपनी के फाइनेंशियल से रिलेटेड, आज एक आध क्वार्टर ऊपर नीचे चलता रहता है क्योंकि बिजनेस ही इस तरीके का है। बट हम बात करते हैं अब टेक्निकल की, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, नंबर को नोट करके काम कर सकते हैं साथ में। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर में लगभग 36-37% की गिरावट ऑलरेडी टॉप से यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो एक ही बार शेयर को थोड़ा बहुत यहाँ पर खरीदा भी गया है और बेचा भी गया है, बट यहाँ पर आप देखोगे इस एरिया में बिल्कुल भी यहाँ पर बाइंग नहीं है, बट यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी बाई की गई है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर सेप्टेम्बर का ही ये डेटा है, किसी ने भी यहाँ पर बेचते हुए नजर नहीं आए। वीक एंड होते हैं वो यहाँ पर निकल जाते हैं, वीक एंड होने के बाद क्या होता है, जब चीजें गिर जाती है, जब थर्ड अच्छे खासे नंबर होने के बाद कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है, कंपनी के पास अच्छा खासा ऑर्डर बुक है, जब सब चीज अच्छा खासा है, ठीक है ना, तो उस केसेस में क्या, उस केसेस में सिंपल सी बात यह है कि चीजों को पहले गिराया जाता है बड़े लोगों के थ्रू, बड़े उसके बाद चीजों को बटोरा जाता है। जब यहाँ पर चीजें जब थक जाएंगे, जब बटोर जाएगी, ठीक है, एक साथ ही इसमें तेजी आएगी, और वो तेजी कैसी होगी, वो तेजी ऐसी होगी जैसी तेजी यहाँ पर होती हुई आपको पहले भी दिखाई दी थी, ठीक है। पहले भी शेयर को यहाँ पर पकड़ा था, अच्छे खासे रिटर्न बनते हुए नजर आए, क्या मेरे कहने पर लेना है, मेरे कहने पर बेचा है, नहीं, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि मार्केट किस तरीके से काम करती है, ठीक है। अभी मार्केट गिर रही है, ये भी शेयर उसके साथ में धीरे 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 करके नीचे आया। अब काफी लोग कहेंगे कि 200 DMA के नीचे आ गया, बेकार हो गया, जब हम स्विंग कर रहे हैं
तब पार्ट अलग है। जिसका वीजा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल का है, ठीक है ना, उसके लिए ऐसे शेयर वरदान की तरह काम करते हुए नजर आ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है चीटे, अभी मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे साफ नजर आ रहा है शेयर थोड़ा सा और नीचे आएगा, 360, 370 के आसपास यहाँ पर आएगा, एक मेन सपोर्ट यहाँ पर नजर आता है। इसके बाद शायद यहाँ पर इस एरिया में 3-6 महीने यहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकता है। अगला क्वार्टर मुझे नजर आता है कि अच्छा आता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और जैसे ही और कंपनी के पास ऑर्डर बुक अच्छा खासा है, काम अच्छा खासा कर रही है, और अच्छा खासा जब यहाँ पर सब चीज नजर आती है, यहाँ पर एक हो जाएगा कंसोलिडेशन, उसके बाद चीजें ऊपर जाएगी। जब ऊपर जाएगी तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि और बिल्कुल टॉप छू लेगी, ठीक है, यहाँ तक भी, और यहाँ तक भी आती है तो आपके 56-57% के रिटर्न एज ऑफ नाउ यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। बट मैं थोड़ा सा चार्ट को और ले जाता हूँ यहाँ पर वीकली बेसिस पे। जब मैं यहाँ पर वीकली बेसिस पे चार्ट को ले जाता हूँ, ठीक है, मैं रिमूव कर देता हूँ, तो आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट हुआ था, और वो फेक ब्रेकआउट क्या था, 2017 के आसपास का, ठीक है, वो ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद चीजें नीचे आई, कोई नहीं, ठीक है, चलता है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी दोबारा उसी रेंज में आती हुई दिखाई दे रही है, धीरे धीरे इनके पास काम है, ठीक है, 4,000 करोड़ के आसपास का काम है, जो वो भी होता हुआ नजर आएगा, तो कंपनी 1700-2000 करोड़ के आसपास भी यहाँ पर आ गई, तो कंपनी हाईएस्ट एवर रिवेन्यू पे पहुंच जाएगी, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पे, और कंपनी ऑलरेडी चल रही है टीटीएम बेसिस पे, मार्जिन अच्छे खासे आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सब चीज तो ये हो गई बात, तो सबसे पहली बात तो कंपनी ने यहाँ पर बीट कर दिया। दूसरी बात क्या, दूसरी बात प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। तीसरी बात क्या, तीसरी बात यहाँ पर चार्ट पे दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है, और वो पैटर्न क्या है, कप, और ये नीचे आ गया हैंडल, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो सबसे पहली बात तो यहाँ से यहाँ तक का रिटर्न हो गया। ऊपर जब ये यहाँ पर तोड़ेगा, ठीक है, दोबारा तोड़ेगा, नीचे आ सकता है, कंसोलिडेशन कर सकता है, उसके बाद जब ये भागना शुरू करेगा, ठीक है ना, हायर हाईज ये लगाता हुआ नजर आएगा, तो शेयर एक रेंज में जाएगा, एक अच्छी खासी तेजी यहाँ से भी हो सकती है। और इस बेसिस पे जब टारगेट बनते हुए नजर आते हैं ना, तो वो टारगेट कितने होते हुए नजर आ रहे हैं उससे रिलेटेड ही बातें कर लेते हैं। तो उसके रिलेटेड यहाँ पर हम देखेंगे तो कंपनी के टारगेट लगभग लगभग ये नजर आ रहे हैं मुझे, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, लगभग 1000 के, ठीक है। शेयर कितने पे चल रहा है, शेयर चल रहा है 387 के आसपास, और बिलीव मी जब तेजी होती है तो ऐसी तेजी होती है शेयरों में कि आप पकड़ नहीं पाओगे। अभी लग रहा होगा इम्पॉसिबल है, 160% के रिटर्न कैसे बन सकते हैं, बट जब चीज अकॉर्डिंगली चलती हुई नजर आई, कंपनी अच्छा खासा करती हुई नजर आई, टाइम ले सकती है, टाइम यहाँ पर कंज्यूम कर सकती है, ठीक है, आपको यहाँ पर परेशान कर सकती है, आप टूट जाओगे, जब आप टूट जाओगे तभी इसमें वो इसमें एक साथ ही बायर्स आएंगे, जो उन्होंने यहाँ पर अच्छा खासा बाई कर रखा, उन्होंने थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके माल निकाला होगा, दोबारा यही लोग दोबारा जब चीजें अच्छी नजर आएगी, क्योंकि ऐसा नेगेटिविटी यहाँ पर कुछ है नहीं, बस चार्ट थोड़ा सा नेगेटिव है, एक साथ चीजें अच्छी होगी, अच्छी होने के बाद यहाँ पर भागती हुई नजर आएगी, और शेयर कब 160% के रिटर्न दे देगा आपको पता नहीं चलेगा। जाके चार्ट उठाना, बैक टेस्ट करना चीजों को, आपको खुद समझ में आएगा कि चीजें जब जब गिरी है अच्छी चीजें, उसके बाद जब भागी है तो अच्छा खासा पैसा बना है, जो टूट जाएगा वो टूट जाएगा, जो रुक जाएगा वो पैसे बनाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो मेरे कहने पर, किसी और के कहने पर नहीं लेना है। गिरावट में अच्छी चीज, अगर आपको 40% गिरावट में मिल रही है तो लॉन्ग टर्म के विजन से वो चीजें अच्छी हो सकती है, ठीक है, अच्छा खासा पैसा बना सकती है, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को स्टडी करना, चीजों को सीखने के लिए धन्यवाद, इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, नंबर को नोट करके कोर्स कर सकते हो, साथ में काम कर सकते हो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।